दोस्तों स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों को इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हर खबर तुरंत पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो वीडियो को एक लाइक देकर आप अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। बात कर लेते हैं पहली न्यूज की। तो हम सभी को पता है पूरे भारत देश के अंदर COVID-19 का केस यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर दोस्तों वैक्सीन्स में भी काफी ज्यादा कमी हो चुकी है, यानी कि COVID-19 की जो वैक्सीन्स लगाई जा रही है इंडिया के अंदर, इसकी भी कमी लगातार यहाँ पे स्टार्ट होनी चालू हो चुकी है। तो इसी चीज से निपटने के लिए यहाँ पे भारत सरकार ने US से हेल्प मांगी है। तो US यहाँ पे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने वाला है इंडिया को, ताकि इंडिया ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर COVID-19 की वैक्सीन बना सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर मेडिकल सप्लाई कर सके। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे नेटको फार्मा की तरफ से निकल के आ रही है। नेटको फार्मा ने एक नया मेडिसिन तैयार किया है जो कि यहाँ पे फेज 3 के COVID-19 पॉजिटिव जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए इलाज कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस मेडिसिन का नाम है मोलनोपिरावीर कैप्सूल्स, और ये कैप्सूल को उन्होंने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO को यहाँ पर भेजा हुआ है, ताकि ये इसका क्लिनिकल ट्रायल कर सके और यहाँ पर वो अप्रूवल दे सके कि ये मेडिसिन को वो मार्केट में ला सके। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे HCL Tech की तरफ से निकल के आ रही है। HCL Tech ने अपने वर्कलोड को इंडिया के अंदर काफी कम कर दिया है, क्योंकि हम सभी को पता है इंडिया के अंदर COVID-19 केसेस इस टाइम पे पीक पे चल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा है कि भाई HCL Tech का यहाँ पर जो भी वर्कलोड है इंडिया के अंदर वो कम कर दे, बल्कि वर्कलोड वो इंडिया के अलावा और सभी कंट्री में यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, और उनका ऐसा मानना है कि अगले कुछ वीक्स के अंदर यहाँ पर COVID-19 के केसेस कम हो जाएंगे, तब वो HCL Tech को डेली रूटीन पे यहाँ पे काम करना चालू कर देंगे। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज़ की बात कर लूँ तो सेम यहाँ पे हम सभी को पता है COVID-19 के बढ़ने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम हो चुकी है, और ऑक्सीजन की वजह से ही कई लाख लोग यहाँ पे खत्म होते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री और VRV एशिया पैसिफिक और कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी मिल के यहाँ पे दोस्तों बातचीत कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे परचेस कर सके पूरे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का टैंकर ही अलग कंट्रीज से। तो दोस्तों इस पर देखते हैं क्या निर्णय निकल के आता है, अभी ये बात सामने निकल के आ रही है। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे JSW स्टील की तरफ से निकल के आ रही है। JSW स्टील ने यहाँ पे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उन्होंने बताया है कि वो 900 टन हर रोज सप्लाई कर सकते हैं, और उन्होंने बताया कि इससे भी ज्यादा वो बढ़ाने के लिए मंथ के एंड तक और काम कर रहे हैं, ताकि वो मंथ के एंड तक वो 900 टन से भी ज्यादा की सप्लाई यहाँ पर दे सके, ताकि COVID-19 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर इलाज हो सके। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्री की तरफ से निकल के आ रही है। हिंडाल्को इंडस्ट्री ने अपने फ्राइडे को रिकॉर्ड को देखते हुए दोस्तों 2750 रुपीस पर टन उन्होंने अल्मोनियम इग्नोट्स, बायलेट्स और वायर रॉड्स का रेट यहां पे बढ़ा दिया है, यानी कि 1% की महंगाई हो चुकी है हिंडाल्को इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से निकल के आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पे सिगरेट और बीड़ी जो भी है बॉम्बे के अंदर पूरी तरीके से बैन लगाने के लिए सजेशन दिया हुआ है, और इसी चीज को देखते हुए वहां की सेंट्रल और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रीजन मांगा है कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से बोला है कि भाई आप ऐसा क्यों करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके पीछे का आप हमें रीजन बताइए। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे एवेंटेल की तरफ से निकल के आ रही है। एवेंटेल में मार्च Q4 2021 का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 5.7 करोड़ रुपीज के आसपास इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं पे Q4 2020 की बात कर लूं तो 4.1 करोड़ रुपीज के आसपास इन्होंने जनरेट किया था। वहीं पे इनकम की बात कर लूं तो 29 करोड़ रुपीज Q4 2021 के अंदर जनरेट किया गया। वहीं पे Q4 2020 की बात कर लूं तो 22 करोड़ रुपीज के आसपास इन्होंने नेट इनकम जनरेट किया था। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो सेम यहां पे Q4 का रिजल्ट आ रहा है धामपुर सुगर मिल्स की तरफ से। धामपुर सुगर मिल्स में यहां पे नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 91.4 करोड़ रुपीज के आसपास
क्वार्टर फोर 2021 के अंदर प्रॉफिट देखा गया है। वहीं पे दोस्तों पिछले साल क्वार्टर फोर 2020 की बात कर लूं तो 104.1 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रॉफिट कम रहा धामपुर सुगर मिल्स के अंदर। और नेट इनकम की बात कर लूं तो 1057 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने क्वार्टर फोर 2021 के अंदर नेट इनकम जनरेट किया। वहीं पे क्वार्टर फोर 2020 की बात कर लूं तो 1066 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने जनरेट किया था नेट इनकम क्वार्टर फोर 2020 के अंदर। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहां पे राज रतन ग्लोबल वायर की तरफ से निकल के आ रही है। राज रतन ग्लोबल वायर का भी यहाँ पे क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूँ तो दोस्तों यहाँ पे 23.2 करोड़ रुपीस के आसपास नेट प्रॉफिट इनको हुआ है। वहीं पे पिछले साल की बात कर लूँ तो 6.1 करोड़ रुपीस के आसपास इनको नेट प्रॉफिट हुआ था क्वार्टर फोर 2020 के अंदर। नेट इनकम की बात कर लूँ तो 184 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने नेट इनकम जनरेट किया क्वार्टर फोर 2021 के अंदर। वहीं पे पिछले साल क्वार्टर फोर 2020 की बात कर लूँ तो 125 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने जनरेट किया था। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूँ तो यहाँ पे जौरी एग्रोकेमिकल्स की तरफ से निकल के आ रही है। जौरी एग्रोकेमिकल का यहाँ पे एनपीके बी प्लांट पूरी तरीके से शट डाउन हो चुका है दोस्तों, क्योंकि उस प्लांट के अंदर सारे रॉ मटेरियल्स यूज हो चुके हैं और सारे रॉ मटेरियल्स खत्म हो चुके हैं। ये प्लांट 24 अप्रैल से यहाँ पे शट डाउन चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को जौरी एग्रोकेमिकल के स्टॉक में डेफिनेटली गिरावट देखने को मिल सकती है और इनके बिजनेस पे भी इसका असर दिखने को आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई आज हमारे पास इतनी ही न्यूज थी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।